हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। रहीम यार खान के भोंग सिटी से पाकिस्तान के एक बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक, शेमफुल न्यूज आई कि एक हिंदू मंदिर पर डंडों से, लाठियों से, पत्थरों से अटैक किया गया, उसके दरवाजे को जला दिया गया। यह काम न सिर्फ पाकिस्तान के दस्तूर के खिलाफ है, बल्कि वो दीन जो प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे उसके विरुद्ध है, उससे बिल्कुल हट चुके हैं आप। मैं समझता हूं कि जिस तरीके का एक्शन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फौरन लिया, चीफ सेक्रेटरी को सम्मन किया पंजाब के, कहा रिपोर्ट के साथ आओ, भारत सरकार ने भी एक्शन में आई और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सम्मन कर अपनी नाराजगी और अपने गुस्से का इजहार रजिस्टर कराया। इमरान खान ने अब ट्वीट कर सिचुएशन को साफ किया है, उन्होंने खुद इसकी बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी दोषी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और एक बड़ी खास बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की जो मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होगा, उनकी नेग्लिजेंस के तहत ये हो गया। आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद जो केस चला उसमें किसी को सजा नहीं हुई। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान में एक अच्छी चीज हो चुकी है कि जनवरी 2021 में भी करक में, जो खैबर में है, वहां पे श्री परहंस जी महाराज समाधि टेंपल के साथ भी ऐसा मामला हुआ था और उसमें कोई तकरीबन 33 पुलिस ऑफिसर्स को एक साल की सजा हुई। ये पुलिस का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। एक छोटे से 8-9 साल के बच्चे ने पेशाब कर दिया सेमिनरी पेयर के पास, उसको बेल दे दी आपकी अदालत ने, क्योंकि बच्चा है, माइनर है, बेल मिलनी चाहिए, मिल गई, तो उस पे ये हंगामा और तूफान बदतमीजी। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हिंदू टेंपल्स को पाकिस्तान में ट्रीट किया गया वो इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है, पाकिस्तान के अपने संविधान के विरुद्ध है। और सबसे खास बात, जो विजन उनके कायदे आजम का था, मोहम्मद अली जिना का, 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान की संविधान सभा को एड्रेस करते हुए जो बात कही, जब उनसे मंडल साहब ने पूछा कि क्या हम सेकुलर हैं, उन्होंने कहा यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। जिना के विजन से ऐसा लगता है कि वो एक मुसलमानों के लिए स्टेट बना रहे थे, लेकिन वो स्टेट एक इस्लामिक स्टेट नहीं थी। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट शायद उनके माइंड में थी, जिसमें सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट होगा। इसलिए जिना कह रहे हैं हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, और सब के सब देश के बराबर के हिस्सेदार और सिटीजन बनेंगे। वो ग्रेट वैल्यूज जो प्रॉफिट ने दी थी उन पर पाकिस्तान के लोग नहीं चलते, वो तो एक बात है, अपने देश के संविधान पर भी नहीं चलेंगे। मस्जिद नबवी में कोई आ गया और पेशाब कर दिया, प्रॉफिट के कंपेनियंस नाराज होने लगे, उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी उसे डिस्टर्ब ना करो। उसके बाद उन्होंने कहा पानी इस पे बहा दो, बात खत्म हो गई। वाकई में जो दीन प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे उससे हट चुके हैं पाकिस्तान के लोग। अपने ही देश के संविधान को देखें,
आर्टिकल 20 है पाकिस्तान के संविधान का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रीएम्बल में कहा जा रहा है एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन एंड डेवलप देयर कल्चर, राइट टू कल्चर प्रीएम्बल में आ रहा है। फिर आर्टिकल 36 में कहा एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड टू प्रोटेक्ट लिजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग ड्यू शेयर इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेस। क्या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज का यह लिजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है कि उनके मंदिरों को, उनके गुरुद्वारों को, उनकी चर्चेस को सेफगार्ड किया जाए? संविधान के आर्टिकल 227 क्लॉज 3 में कहा गया कि पर्सनल लॉ जो है माइनॉरिटीज का, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कुरान कह रहा है देर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन। यहां जबरदस्ती अपने दीन को दूसरों पे थोपने की कोशिश की जा रही है। प्रॉफिट मोहम्मद से कुछ सीखें। यह टेक्स्ट मेरे सामने मौजूद है जो कॉवेनेंट और जो ट्रीटी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने साइन की विद द मॉन्क ऑफ माउंट सिनाई, और उसमें कह दिया उन्होंने कि आगे आने वाला कोई अगर मेरे इस एग्रीमेंट से हटे तो वो मुझसे नहीं है। आर्टिकल 7 में कहा वॉट एवर चर्चेस दे आर पजेस्ड ऑफ नो वन इज टू डिप्राइव देम ऑफ देम। जिन पर ईमान लाए हो वो कह रहे हैं कि जो ईसाइयों की चर्चेस हैं वो उनसे छीनी नहीं जा सकती। आर्टिकल 8 में कह दिया हू सो एवर शेल एनल एनी ऑफ दीज माई डिक्रीज लेट हिम नो पॉजिटिवली दैट ही अनल्स द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड। आप अपने दीन पर रहें, दूसरों को उनके दीन पर रहने दें। क्लॉज 16 में कह दिया हू सो एवर एक्ट्स कंट्रेरी टू माई ग्रांट और गिव्स क्रेडिट टू एनीथिंग कंट्रेरी टू इट becomes truly an apostate to God and to his divine apostle because this protection I have granted to them according to this promise। उनसे कोई जंग नहीं करेगा, उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाए जाएंगे। ये दूसरा माउंट सिनाई में जो प्रॉफिट ने कोवेनेंट साइन किया उसमें क्या कहा जा रहा है नॉर अ हर्मिट फ्रॉम हिज हेरिटेज नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन देयर चर्चेज मस्ट एंटर इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। मस्जिदें बनाने के लिए चर्चेस की चीजें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, नॉट इवन इनटू द हैबिटेशन ऑफ मुसलमान। दोज हु डू नॉट कंफर्म टू दिस विल एक्ट कंट्रेरी टू द लॉ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट। It is forbidden to extract contributions from priests and bishops and the devotees। आप सोचिए कि आज के इस मॉडर्न जमाने में एक बच्चे से, एक बचपन की वजह से कोई भूल हो जाए और उसको आपकी अदालत बेल ग्रांट कर दे, उस पर इतना हंगामा कि एक मंदिर पे अटैक किया जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कोर्ट इसका सख्त नोटिस लेगी, जैसा पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले चुकी है। कई केसेस में सरकारों को आदेश दिया गया कि उनके खर्चे पर टेंपल्स रेस्टोर किए जाएंगे। पाकिस्तान का स्टेटस इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों में गिरा है। किसी भी देश के सिविलाइजेशन को टेस्ट करने का पैमाना यह है कि उसमें माइनॉरिटीज को क्या प्रोटेक्शन है। पाकिस्तान अगर एक फेल्ड स्टेट माना जाता है तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को ट्रीट नहीं कर रहा उसी तरीके से जैसे उसको और सिटीजन को ट्रीट करना है।
मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान में काम हुआ इसकी निंदा की जानी चाहिए, और जिस तरीके से उनके चीफ जस्टिस ने और उनके प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएट एक्शन लिया है, उस तरीके का एक्शन पूरे विश्व के हर देश में होना चाहिए। सारे लोगों को अपने धर्मों को मानने का अधिकार है, और सारे धर्म के जो टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको पूरी तरह संरक्षण मिलना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक्स क्लिक करें, प्यार बांटें, नफरतें समाप्त करें। धन्यवाद।